साथीगण, सभी आदरणीय विधायकगण, जिला पंचायतों के सदस्य और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्रांतिकारियों की इस धरती ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपना अमूल्य योगदान दिया है। राजा देवी बख्श सिंह, राजा कृष्ण दत्तराम और पृथ्वीपाल सिंह जैसे पराक्रमियों ने अंग्रेजी शासन से लोहा लेने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। अयोध्या में बन रहे प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर की जब जब बात होगी, बलरामपुर रियासत के महाराजा पाटेश्वरी प्रसाद सिंह के योगदान का उल्लेख जरूर होगा। बलरामपुर के लोग तो इतने पारखी है, कि उन्होंने नानाजी देशमुख और अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में दो दो भारत रत्नों को गढ़ा है, उन्हें संवारा है। साथियों, राष्ट्र निर्माताओं और राष्ट्र रक्षकों की इस धरती से मैं आज देश के उन सभी वीर योद्धाओं को भी श्रद्धांजलि दे रहा हूं जिनका 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी का जाना हर भारत प्रेमी के लिए, हर राष्ट्रभक्त के लिए बहुत बड़ी क्षति है। जनरल बिपिन रावत जी जितने जांबाज थे, देश की सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जितनी मेहनत करते थे, पूरा देश उसका साक्षी रहा है। एक सैनिक सिर्फ उसी समय तक सैनिक नहीं रहता जितने दिन वो सेना में रहता है, उसका पूरा जीवन एक योद्धा की तरह होता है। अनुशासन देश की आन बान शान के लिए वो हर पल समर्पित होता है। गीता में कहा गया है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, ना शस्त्र उसे छिन्न भिन्न कर सकते हैं ना अग्नि उसे जला सकती है। जनरल बिपिन रावत आने वाले दिनों में अपने भारत को नए संकल्पों के साथ, वे जहां होंगे वहां से भारत को आगे बढ़ते हुए देखेंगे। देश की सीमाओं की सुरक्षा बढ़ाने का काम, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम, देश की सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने का अभियान, तीनों सेनाओं में तालमेल सुदृढ़ करने का अभियान, ऐसे अनेक काम तेजी से आगे बढ़ता रहेगा। भारत दुख में है,
लेकिन दर्द सहते हुए भी हम ना अपनी गति रोकते हैं और ना ही हमारी प्रगति। भारत रुकेगा नहीं, भारत थमेगा नहीं। हम भारतीय मिलकर और मेहनत करेंगे, देश के भीतर और देश के बाहर बैठी हर चुनौती का मुकाबला करेंगे, भारत को और शक्तिशाली और समृद्ध बनाएंगे। साथियों, यूपी के सपूत देवरिया के रहने वाले ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जी का जीवन बचाने के लिए डॉक्टर जी जान से लगे हुए हैं। मैं मां पाटेश्वरी से उनके जीवन की रक्षा की प्रार्थना करता हूं। देश आज वरुण सिंह जी के परिवार के साथ है। जिन वीरों को हमने खोया है उनके परिवारों के साथ है। भाइयों और बहनों, राष्ट्र प्रथम की भावना को सर्वोपरि रखते हुए देश आज हर वो काम कर रहा है जो 21वीं सदी में हमें नई ऊंचाई पर ले जाए। देश के विकास के लिए ये भी बहुत जरूरी है कि पानी की कमी कभी बाधा न बने। इसलिए देश की नदियों के जल के सदुपयोग हो, किसानों के खेत तक पर्याप्त पानी पहुंचे, ये सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का पूरा होना इस बात का सबूत है कि जब सोच ईमानदार होती है तो काम भी दमदार होता है। दशकों से आप इसके पूरे होने का इंतजार कर रहे थे। घाघरा सरयू पक्का भरोसा है आपके आशीर्वाद जीवन भर हमें काम करने की ताकत देंगे, आपके आशीर्वाद हमें नई ऊर्जा देंगे। भाइयों बहनों, आज मैं ये भी कहना चाहूंगा, विशेष रूप से वो किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, उनके लिए सिंचाई की ये व्यवस्था जीवन बदलने वाली होती है। जैसे कोई व्यक्ति मृत्युशैया पर पड़ा हो, उसको ब्लड की जरूरत हो, लहू की जरूरत हो, रक्त की आवश्यकता हो, और जैसे ही डॉक्टर रक्त ला करके उसको चढ़ाए और उसकी जीवन बच जाता है, इस पूरे क्षेत्र के खेतों को ऐसी ही नई जिंदगी मिलने वाली है। साथियों, बलरामपुर की मसूर दाल का स्वाद तो बीते सालों में देश भर में फैलाई है। अब पारंपरिक फसलों के साथ साथ इन क्षेत्रों के